अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत विश्व के आधा दर्जन से भी कम देशों में पाया जाने वाला चिलगोजा किन्नौर में पककर बाजार पहुंचने लगा है। चिलगोजा के जंगल भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के मध्य भाग पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में न्योजा भी कहा जाता है। चिलगोजा निकालने वाले लोगों का कहना है कि इस बार फसल करीब 25 से 30 फीसदी है, जिस कारण स्थानीय बाजार में दाम 1400 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत विश्व के आधा दर्जन से भी कम देशों में पाया जाने वाला चिलगोजा किन्नौर में पककर बाजार पहुंचने लगा है। चिलगोजा के जंगल भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में न्योजा भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि चिलगोजा की पैदावार साल दर साल घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि पेड़ों से अवैज्ञानिक ढंग से चिलगोजे के कोण निकालना। चिलगोजा निकालने वाले लोगों का कहना है कि इस बार फसल करीब 25 से 30 फीसदी है, जिसका कारण स्थानीय बाजार में दाम 1400 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मांग को देखते हुए आने वाले समय में दाम और अधिक होंगे। ग्रामीणों के अनुसार चिलगोजा निकालना काफी मेहनत का काम है। पहले लोग जंगलों में चिलगोजे के पेड़ों से कोन निकालकर घरों में एकत्रित करते हैं। उसके दो हफ्ते बाद कोन नर्म पड़ते ही कोन को काटकर अंदर से चिलगोजा निकाला जाता है। भगत सिंह किन्ना ने बताया कि चिलगोजे में कई औषधीय गुण हैं। उन्होंने बताया पिछले कुछ वर्षों से चिलगोजा की फसल में गिरावट आई है। इसका एक कारण अवैज्ञानिक दोहन है। किन्नौर में इस बार चिलगोजे की फसल करीब 25% ही है। उन्होंने बताया कि स्पष्ट नीति न होने के कारण किसान वन विभाग की अनुमति के बिना इस फसल को बाहर मंडी में नहीं ले जा सकता है, जिससे खरीदार मनमाने तरीके से दाम तय करते हैं। लेकिन इस बार फसल कम होने से दाम सही मिल रहे हैं। इस वर्ष तो लगभग बहुत कम फसल है। ये समझ लो कि कम से केवल 25 या 30% तक ही लोग ये फसल कह सकते हैं हम। और इसका 1200-1300 रुपये किलो तक तो इस वक्त मार्केट पे चिलगोजे का रेट आया है, बिक रहा है। वह फसल भी बहुत कम है, लोगों को चलो कम से कम 1200-1300 रुपये किलो के हिसाब से रेट मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय के लिए अगर प्रकृति का यही स्वरूप रहा और लोगों की भी यही इस तरीके से उदासीनता रही, तो इस दुर्लभ प्रजाति के पेड़ को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी। और अगर ये चिलगोजे का सारा पेड़ या जो इस तरीके से पर्यावरण के नुकसान की वजह से जो विकास की जो जिस तरीके से पूर्व जिला परिषद सदस्य छेरिंग दास ने बताया कि चिलगोजा, जिसे स्थानीय भाषा में न्योजा भी कहा जाता है, तैयार होने में 1 साल से अधिक समय लगता है। सितंबर अक्टूबर में पेड़ों से कोन काटकर लाया जाता है और एक स्थान पर डंप लगाते हैं। कुछ दिन बाद कोन नरम होते ही काटते हैं और चिलगोजा निकाल कर बाजार में बेचते हैं। ये हमारा परंपरा पहले का जमाने का न्योजा है। इससे कुछ हमारे बहुत पहले हम रामपुर ले जाते थे, रामपुर में बेचते थे। उससे बाकी साधन नहीं था हमारा। अब यहाँ पर पीओ में व्यापारियाँ पीओ में आ के खरीद लें। इसमें मेहनत बहुत है, पेड़ में जाना, पेड़ में का लेबर खर्चा बहुत है, फिर पेड़ से उतार के फिर ढुलान करना, जंगल से ढुलान करके फिर यहाँ लाना, यहाँ ला के डैम करना, कम से कम 10-15 दिन बिना भी लग सकता है। उसके बाद में निकल जो अक्टूबर महीना में निकालते हैं। पवन कुमार सुधारंग निवासी ने बताया कि आजकल न्योजा निकालने का काम जारी है। ये काम काफी मुश्किल होता है। पहले पेड़ से कोन काटकर एकत्रित करना, फिर नरम होते ही कोन को काटकर उससे चिलगोजा के दाने बाहर निकालना। इस बार चिलगोजा कम है और बाजार में दाम 1400-1500 रुपए किलो बिक रहा है। सितम्बर माह में स्टार्ट होता है और इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पेड़ में चढ़ना पड़ता है, नेपालियाँ लगाना पड़ता है, लोकल बंदी लगाना पड़ता है और इसको निकाल के काटने के बाद घर ला के इसको डैम पर रखना पड़ता है 10 दिन। फिर उसके बाद इसको फाड़ के खोलना पड़ता है, लेबर लगा के खोलना पड़ता है। और इसका जो आजकल मार्केट रेट है 1400-1500 चला है। सत्य प्रकाश जी, हम गाँव पंगी के हैं, यहाँ पर न्योजा खरीद रहे हैं। इस बार माल कम होने के कारण तो ये इस बार 1300 तक रेट चला हुआ जी। इस बार माल बहुत कम है। तो क्या उम्मीद है आगे रेट बढ़ेगा? आगे उम्मीद रेट ये दिवाली तक ही होता है, उसके बाद तो रेट कम भी हो सकता है। दिवाली का कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।